एबीपी न्यूज इस वक्त पहुंच चुका है आईएनएस विक्रांत यानी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक पर, और ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ है MiG-29 के फाइटर जेट, क्योंकि यही ताकत होती है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो विमान वाहक युद्धपोत होता है, क्योंकि उस पर फाइटर जेट्स उस पर तैनात रहते हैं। जैसे ये MiG-29 के फाइटर जेट भारतीय नौसेना का, जिसमें जो है जो पूरी तरह से लोडेड भी है, देखो मिसाइल भी लगी हुई हैं ऊपर, हम लोग देखेंगे विंग्स पर मिसाइल लगी हुई हैं इस फाइटर जेट्स के। ये देखिए ये मिसाइल, ये ताकत होती है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो ये इस तरह का अभी तो एक फाइटर जेट खड़ा हुआ है, लेकिन इस आईएनएस विक्रांत पर 30 ऐसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं एक समय में। पीछे देखेंगे तो ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, कामोव हेलीकॉप्टर है, और उसके दूसरी तरफ जो है ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, ये तीन जो है अभी इस वक्त खड़े हुए हैं। लेकिन इस आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 ऐसे एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं, जिसमें 20 फाइटर जेट्स और 10 जो हैं हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ये ताकत है, ये देखिए कितना बड़ा ये रनवे है। अभी हम लोग देख रहे हैं नौसेना के जो अधिकारी हैं या जो वेटरन्स हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें पुराना विक्रांत था, तो वो सब यहाँ पर आए हैं इसको देखने के लिए, इस ऐतिहासिक पल के लिए, गवाह बनने के लिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है ये, क्योंकि भारत ने अपना खुद का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार किया है, निर्माण किया है। और निर्माण कहाँ हुआ है इसका? कोचीन शिपयार्ड में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में महज कुछ ही देश ऐसे हैं जो इतना बड़ा युद्धपोत, इतना हैवी युद्धपोत जो है बना सकते हैं, सक्षम है उसमें, और उसमें भारतीय नौसेना और भारत जो है शामिल हो गया है। जो अभी तक जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका, रूस, चीन या फिर फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब देशों के पास हैं, स्पेन के पास भी है, तो लेकिन अब ये बनाया है फाइटर जेट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर फाइटर जेट तैनात होते हैं। और आपको बता दें कि ये जो स्टोबार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी है, कैमरामैन मनोज को दिखाऊंगा कि ये इसकी रोप्स दिखाएं, रस्सी दिखाएं, जो फाइटर जेट्स हैं जब वो लैंड करते हैं यहाँ पर, इस पर आते हैं तो रुकने के लिए, क्योंकि बहुत तेज स्पीड में होते हैं, क्योंकि उनको अगर यहाँ पर वो रुकते नहीं है, लैंड नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक बार फिर से टेक ऑफ करना पड़ता है, तो बहुत तेज स्पीड होती है। उसमें हुक्स लगे होते हैं और हुक्स जो हैं ये जो है इस रस्सी में फंस जाते हैं, उससे जो है जो फाइटर जेट जो है वो रुकता है, तो इसीलिए जो है इसका अरेस्टेड रिकवरी कहते हैं। और शॉर्ट टेक ऑफ क्यों है? क्योंकि ये है तो 250 मीटर यानी कि 260 मीटर लंबा, लेकिन अगर किसी रनवे की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, किसी एयरबेस की बात करें, तो ये उसके हिसाब से बहुत छोटा है। इस 250 मीटर में इस फाइटर जेट को यहाँ से लैंड टेक ऑफ करना पड़ता है, तो इसीलिए ये जो स्कीइंग जैसा ये हम लोग देख रहे हैं ये रनवे है, ये दरअसल जो रशियन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उसके मॉडल पर बना है, क्योंकि भारत के पास पहले से एक विक्रमादित्य है, आईएनएस विक्रमादित्य जो कि रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो था, तो इसीलिए भारत ने उसी डिज़ाइन पर ये बनाया है। इस तरह के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो कम हैं, सिर्फ रशिया के पास ऐसे हैं और अब भारत के पास हैं, और जो अमेरिका है, चाइना है, उनके पास जो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि इस तरह की स्कीम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इतना बड़ा ये बनाया है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने जो आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, और यह एयरक्राफ्ट कैरियर जो 2009 में बनना शुरू हुआ था, जिसकी कीलिंग शुरू हुई थी 2013 में, इसको समुद्र में लॉन्च किया गया यानी कि अरब सागर में लॉन्च किया गया, और अब 2022 में ये बनकर तैयार हो गया है। तो ये ताकत होती है किसी भी देश की नौसेना की, चलता फिरता किला ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। और जैसे हम लोग देखते हैं वायुसेना की जो ताकत है वो सिर्फ आसमान में होती है, हवा में, एयर स्पेस में, लेकिन इस एयरक्राफ्ट के जरिए, और नौसेना की समुद्र में होती है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के चलते जो नौसेना है वो समुद्र में यानी कि जल में तो उसकी ताकत होती ही होती है, आसमान में भी होती है, क्योंकि उसके पास फाइटर जेट्स होते हैं और साथ ही होते हैं हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और साथ में क्योंकि ये कैरियर बैटल ग्रुप की तरह, CBG की तरह काम करता है, तो इसके साथ साथ जो इसके जो शिप्स हैं, जैसे ये खड़े हुए हैं, जो साथ में जिनके छोटे शिप्स होते हैं वो सब इसके साथ चलते हैं, तो वो मिलकर कैरियर बैटल ग्रुप बनाते हैं। और खुद इस पर जो है मिसाइल्स भी तैनात रहती हैं, इस पर जो गन्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, वो भी सब तैनात रहती हैं, तो वो इसकी ताकत है। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस INS विक्रांत के भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने से जो इंडो पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर है और साथ ही जो हिंद महासागर है वहाँ पर शांति स्थापित होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस तरह से चीन और ताइवान के बीच में प्रशांत महासागर में तनाव चल रहा है, और हिंद महासागर में भी चीन की कोशिश रहती है कि वो अपना दबदबा यहां पर कोशिश करे, दबदबा बनाने की, और उसके लिए उसकी पनडुब्बियां यहां आती हैं। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो भारत ने अमेरिका से हाल ही में रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो लिए हैं, ESW यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स, या टोही हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको तैनात किया जाएगा। 3 हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं कोची में आज, और वो जल्द ही इस पर तैनात कर दिए जाएंगे। अभी भी जो ऑपरेशनल होने में, इसको कह सकते हैं कि कुछ
समय लग सकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना के मुताबिक अभी इसका ATC ये ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो भी बनाया जाएगा। ऊपर जो है इसका ये हम लोग देखते हैं कि केबिन है जहाँ से बैठकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहाँ से जो कैप्टन है और अधिकारी हैं वो इसको संचालित करते हैं। R11 रोमियो 11 ये इसका कॉल साइन है, रोमियो 11 रोमियो हेलीकॉप्टर भी तैनात होंगे और R11। और साथ ही देखेंगे इस विक्रांत का क्रेस्ट, सामने कैमरामैन मनोज दिखाएंगे तो उस वो सामने क्रेस्ट है इसका, जिस पर चार धनुष बने हुए हैं। ये धनुष जो भारत की जो मिलिट्री ट्रेडिशन है उसको दर्शाता है, धनुष जो चार धनुष हैं। और साथ ही जयम सम युद्धि स्प्रदा इसका आदर्श वाक्य है। ये आदर्श वाक्य दरअसल ऋग्वेद से लिया गया है और इसके जो अर्थ है इस सूक्ति का, जयम सम युद्धि स्प्रदा, यानी कि अगर कोई मेरे से युद्ध करने के लिए आया तो मैं उसे परास्त करके रहूँगा। ये आदर्श वाक्य है INS विक्रांत का। और इसी आदर्श वाक्य के साथ ये जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करेगा, और अगर किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो ये ठीक वैसे ही परास्त करेगा जैसा कि 1971 के युद्ध में जो इसका पहला वाला वर्जन था INS विक्रांत, उसने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज राजपूत, ABP News, कोची।